हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की लेसन में हम लोग बात करेंगे फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ बिटुमिन। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग फ्लैश एंड फायर पॉइंट डिटरमाइन करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए। ओके जब किसी रोड का काम होता है, जब बिटुमिन को हम लोग हीट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त बिटुमिन आग पकड़ सकता है और इसके वजह से देखिए मैसिव एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग फ्लैश एंड फायर पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। ओके तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पेनिस की मार्टिन क्लोज और ओपन कप को हम लोग यूज करते हैं। ओके अब दोस्तों, फ्लैश पॉइंट क्या है? द लोएस्ट टेम्परेचर, इसको नोट करिएगा, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस मोमेंटरीली टेक्स फायर इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश। द मिनिमम स्पेसिफाइड वैल्यू फॉर बिटुमिन यूज्ड इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इन पेनिस की मार्टिन क्लोज कप टेस्ट इज 175 डिग्री सेल्सियस। ओके सो देखिए, ये है आपका कोई ओपन कप पेनिस की मार्टिन। अब दोस्तों इसमें हम लोग बिटुमिन रखते हैं, नीचे हम लोग हीट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे दोस्तों हीट इंक्रीज होगा सो बिटुमिन का वेपर ऊपर आना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों अगर हम लोग एक स्मॉल फ्लेम को इसके पास लेकर आए, सो वेपर है वो आपका फायर पकड़ लेगा और फ्लैश की तरह दिखेगा। ओके तो इसको हम लोग कह रहे हैं फ्लैश पॉइंट। अब दोस्तों फायर पॉइंट क्या है? अब और भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो देखिए एक मिनिमम टेम्परेचर होगा जिसमें बिटुमिन आपका आग पकड़ लेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे फायर पॉइंट। ओके फायर पॉइंट, द लोएस्ट पॉइंट टेम्परेचर एट विच द मटेरियल गेट्स इग्नाइटेड एंड बर्न्स अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ टेस्ट, इसको हम लोग कह रहे हैं फायर पॉइंट। फ्रेंड्स, मिनिमम स्पेसिफाइड वैल्यू फॉर बिटुमिन यूज्ड इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इन पेनिस की मार्टिन क्लोज का भी 175 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना है। अब फ्रेंड्स देखिए, इधर अपैरेटस दिखाया गया हुआ है, पेनिस की मार्टिन ओपन कप है जिसमें हम लोग बिटुमिन फिल कर देते हैं। इसमें देखिए एक आपका थर्मोमीटर भी लगा हुआ है, नीचे हम लोग हीट कर रहे हैं, जैसे जैसे हीट इंक्रीज करते हैं तो वेपर ऊपर आना स्टार्ट कर देगा। ओके अब एक हम लोग स्मॉल फ्लेम को इसमें लेकर आएंगे, अगर आग पकड़ लेता है और फ्लैश की तरह जलता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग डिनोट करेंगे, उस टेम्परेचर को हम लोग कह देंगे फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमिन। अब इसके बाद और भी हम लोग इसको हीट करेंगे और टेम्परेचर और भी इंक्रीज होगा, अगर अब हम लोग एक स्मॉल फ्लेम लेके जाएंगे तो बिटुमिन आग पकड़ लेगा, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग कह देंगे फायर पॉइंट। ओके सो फ्रेंड्स, ये था फ्लैश एंड फायर पॉइंट के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पर।